दिल्ली का शकरपुर इलाका, एक घर और उस घर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले दो लोग, एक लड़का और एक लड़की, दोनों घर के अलग अलग फ्लोर पर रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन लड़की को शक होता है। शक इस बात का कि उसका व्हाट्सएप उसके फोन के अलावा कहीं और से भी लॉग इन किया गया है। लड़की इसका पता लगाने के लिए एक्सपर्ट के पास जाती है। उसके बाद जो बातें सामने आती है उससे सब कुछ बदल जाता है। सबसे पहले लड़की को पता लगता है कि उसका व्हाट्सएप किसी और जगह से लॉग इन है। लड़की इसके बाद सबसे पहले अपना व्हाट्सएप लॉग आउट करती है, लेकिन शक अभी खत्म नहीं हुआ था। लड़की अब अपने घर की तलाशी शुरू करती है, वही घर जिसमें वो कई महीनों से रह रही थी। तलाशी में सबसे पहले बाथरूम में बल्ब होल्डर के अंदर स्पाई कैमरा मिलता है। उसके बाद बेडरूम के भी बल्ब होल्डर से सेम स्पाई कैमरा निकलता है। लड़की का शक तो सही निकला, लेकिन शक के घेरे में कौन था वो साफ नहीं था। लड़की पुलिस को फोन करती है और फिर जो खुलासा होता है उससे भरोसे की बुनियाद हिल जाती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की जिस घर में किराए पर रहती थी, इस पूरे मामले में आरोपी उसी घर के मकान मालिक का बेटा है। पुलिस पूछताछ में पता चलता है कि लड़की जब कभी छुट्टी पर अपने घर जाती तो अपने फ्लैट की चाबी मकान मालिक के लड़के को देकर जाती थी। इस बीच आरोपी ने मौका देखकर करीब 3 महीने पहले पीड़िता के फ्लैट में 2 कैमरे बल्ब होल्डर के अंदर फिट किए थे। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने जब आरोपी लड़के से पूछताछ और छानबीन की तो आरोपी के पास पुलिस को 1 स्पाई कैमरा मिल गया और साथ ही 2 लैपटॉप मिले जिसमें वो रिकॉर्ड वीडियो स्टोर किया करता था। इंडिया टुडे के हिमांशु मिश्रा के रिपोर्ट के मुताबिक जो स्पाई कैमरा आरोपी ने लड़की के घर में लगाया वो स्पाई कैमरा रिमोट से या ऑनलाइन जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए आरोपी किसी न किसी बहाने लड़की के फ्लैट की चाबी लेने की कोशिश करता था ताकि वो चिप में मौजूद डेटा ट्रांसफर कर सके। कल हमें एक लेडी की कंप्लेंट मिली थी कि वो शकरपुर में एक मकान में किराए पर रहती है और उनको अपने कमरे में एक स्पाई कैमरा मिला था। इमिजिएटली पुलिस जब मौके पर पहुंची और फैक्ट्स हमने वेरीफाई किए तो आईओ और उनके जो साथी थे उनको पता चला कि उस लेडी के कमरे में 2 जगह पे स्पाई कैमराज इंस्टॉल थे, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। लेडी से पूछताछ करने पे पता चला कि मकान मालिक के जो बेटे हैं वो फ्रिक्वेंटली उनके कमरे में मेंटेनेंस वगैरह को लेकर आते जाते रहते थे उनके पीछे से, और कई बार आते जाते इमरजेंसी में अपने कमरे की चाबी वो उन मकान मालिक के बेटे के पास ही छोड़कर जाती थी जो कि उनके काफ़ी ट्रस्टेड थे। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनसे उनको इंटरोगेट किया। इंटरोगेशन में करण ने कन्फेस किया कि जब ये लेडी 3 महीने पहले अपने घर गई थी उस टाइम पे मौके का फ़ायदा उठाकर करण ने 3 स्पाई कैमराज परचेज किए थे, जिसमें से 2 उन्होंने उस लेडी के अपार्टमेंट में इंस्टॉल कर दिए थे, एक बेडरूम में और एक बाथरूम में। और उस कैमरा के मेमोरी कार्ड को निकालने के लिए कई बार वो उस लेडी के कमरे में आते जाते रहते थे। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया और इस केस को वर्कआउट कर लिया। तमाम सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी भी पिछले 7 साल से UPSC के पेपर की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब तक सफल नहीं हुआ था। DCP ईस्ट अपूर्वा गुप्ता ने इस पूरे केस के बाद दिल्ली में अकेले फ्लैट लेकर किराए पर रह रही छात्राओं और महिलाओं को सतर्क और सजग रहने और अनजान लोगों पर या किसी पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास न करने की सलाह दी है। इस मामले में अब पुलिस ये जांच कर रही है कि आरोपी लड़के ने पीड़िता के रूम और बाथरूम में लगाए गए कैमरे से जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसका क्या किया। इस केस पर लल्लन टॉप की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इस मसले पर क्या कहेंगे, कमेंट पर अपनी राय बताइएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।